नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बिहार के रोहतास में नशा के खिलाफ गीत गाने वाली वायरल गर्ल सलोनी को शिक्षा विभाग ने एक बड़ा सम्मान दिया है, और वो सम्मान जो है वो दरअसल जिला मुख्यालय सासाराम में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने खुद अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर सलोनी को अपनी कुर्सी पर बैठाया और एक दिन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया है। ऐसे में मिले सम्मान से सलोनी जो है वो होठ ही बताते हैं कि सबसे पहले ईटीवी भारत ने कक्षा 8वीं की छात्रा सलोनी के नशे के खिलाफ भोजपुरी में गीत गाते हुए खबर को प्रमुखता से जो है वो कहीं ना कहीं प्रसारित किया। दरअसल बात करें तो रोहतास जिले के तिलौथी स्थित मध्य बिहार पतलुका की 8वीं कक्षा के छात्र सलोनी कुमारी का नशा के खिलाफ गीत गाने का वीडियो वायरल होने के बाद रोहतास जिला के शिक्षा विभाग ने उन्हें एक दिन की शिक्षा पदाधिकारी बनाया है। सलोनी कुमारी को सम्मान देने के लिए सासाराम के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजीव कुमार ने उसे अपने कक्ष में बुलाकर सम्मानित किया और साथ ही उसे डीईओ की कुर्सी पर बैठाया। नशा को लेकर लगातार गीत गाती है सलोनी। डीओ ने उनसे कहा कि आज तुम जिले के तमाम विद्यालयों के विकास संबंधी जो भी उचित निर्णय है वह ले सकती हैं, उनका अनुपालन किया जाएगा। अपने विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा को जिला शिक्षा पदाधिकारी के कुर्सी पर बैठा हुआ देख चारों ओर चर्चा होने लगी है। उधर छात्र का कहना है कि वह नशा को लेकर लगातार गीत गाते हैं, जिसमें उनके विद्यालय के शिक्षकों को काफी योगदान है। सभी लोग नशा से दूर रहें और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सलोनी कुमारी हैं उनके पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इंटरनेट की सेंसेशन बन गई। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी अधिकारी जो है वो डीईओ ने एक दिन के लिए भी बना दिया। तो ये है बिहारी लड़कियों का और बिहारी लड़कों का जलवा कि जो भी करते हैं वो एकदम फाड़ करते हैं। बाकी इस लड़की को लेकर आपकी क्या राय है और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।